अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटिकल साइंस। टुडे वी विल डिस्कस पॉलिटिक्स एज एन इंटीग्रेटिव फोर्स। ठीक है, पॉलिटिक्स बतौर इंटीग्रेटिव फोर्स के कि हाउ इट ब्रिंग्स इंटीग्रिटी। ठीक है, पॉलिटिक्स किस तरह इंटीग्रिटी लाती है। तो अगर हम सोसाइटी को देखें तो एक चीज़ हमें जहन से निकाल देनी चाहिए कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट ओनली अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम जब पॉलिटिक्स की, जिस तरह हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था, पॉलिटिक्स एज एन आर्ट ऑफ पॉसिबल और फिर पॉलिटिक्स को कंप्रोमाइज और इन चीज़ों पे हम जब बात करते हैं तो एक रीडर के जहन में ये बात आती है कि पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। तो इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। इट इज़ आल्सो एन इंटीग्रेटिव फोर्स। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटिव फोर्स भी है इन सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के अंदर। अब अगर देखें हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हाट इज द गोल ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज़ टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोशल ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिटिक्स का मकसद होता है कि टू ब्रिंग अ न्यू सोशल ऑर्डर। वो एक न्यू सोशल ऑर्डर लाना चाहती है किसी भी स्टेट में। लेकिन फिर क्या होता है, या इसके बाद क्या होता है, क्या वो जो सोशल ऑर्डर है जब वो अचीव हो जाता है, ठीक है, वो मटेरियलाइज हो जाता है, तो क्या वो परमानेंट होता है। मतलब परमानेंट ऑर्डर होता है, वो नया जो सोशल ऑर्डर होता है वो परमानेंट ऑर्डर होता है कि जिसमें वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। बाज़ राइटर तो कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन एक बड़ा तबका कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कि इस तरह नहीं होता, जबकि हर वक्त जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता है किसी न किसी अंदाज में, लेकिन हर आने वाला नया ऑर्डर जो है वो सोसाइटी में इंटीग्रेशन ला रहा होता है, सोसाइटी को मोर एंड मोर स्टेबल कर रहा होता है, और सोसाइटी के अंदर ये जो प्रोसेस है, ठीक है, न्यू एंड न्यू सोशल ऑर्डर्स का, ये सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन और बेटरमेंट ला रहा होता है। जिससे हम कहते हैं अक्सर इलेक्शंस की उसमें कि एक इलेक्शन अगर फेयर हो जाए, दूसरा इलेक्शन हो जाए, तीसरा इलेक्शन, तो रफ्ता रफ्ता करप्शन ख़त्म हो जाती है। एक हमारा थीसिस है, तो वो थीसिस क्यों है कि मतलब एक सोशल ऑर्डर के बाद या एक पॉलिटिकल ऑर्डर के बाद दूसरा इंटर्न, तीसरा, चौथा, एक बकायदा रिदम के अंदर ये चीज़ें जब आती हैं तो उस वक्त क्या होता है, सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो है, पर किस लिए है, टू ब्रिंग इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में इंटीग्रेशन लाने के लिए और एक बड़ा हायर सोशल ऑर्डर लाने के लिए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्रोसेस जो है, हमें प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लगता है, लेकिन अगर इसके रिजल्ट की तरफ देखें, रिजल्ट ओरिएंटेड होके देखें, तो ये प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ये असल में इसी प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से जो चीज़ बर्थ लेती है, जन्म लेती है, डैट इज़ द इंटीग्रिटी। तो ये प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अक्सर औकात प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है। लेकिन इंटीग्रेशन कब अचीव होता है, जैसे जैसे एक नया सोशल ऑर्डर आता है, सोशल ऑर्डर चेंज होता है, उसी के साथ साथ इंटीग्रेशन भी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोई नया सोशल ऑर्डर आता है, उसी तरीके से नई इंटीग्रेशन आती है, और ये रफ्ता रफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है इन एनी सोसाइटी। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स। थैंक यू।